हेलो गाइज, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हमारे पास है गीगाबाइट का RTX 3070 गेमिंग OC वर्जन, जो एक बहुत ही रिलायबल 3070 ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप मार्केट में हैं बाय करने के लिए 3070। वैसे मार्केट की हालत आप लोगों को पता है कि कितनी उथल पुथल मची हुई है मार्केट में विद द प्राइसेस एंड द स्टॉक अवेलेबिलिटी, लेकिन बाय चांस अगर आपको ये कार्ड मिल जाता है एट अ गुड प्राइस तो क्या आपको ये परचेज करना चाहिए? वेल, मैं इसका आपको आंसर दे देता हूँ एंड बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं विद द डिज़ाइन एंड इन माय ओपिनियन दिस कार्ड लुक्स ग्रेट। ये सिंपल है, ज़्यादा टैकी नहीं दिखता और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड मटेरियल्स भी अच्छे हैं। RGB इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही सटल है और मैं चाहता था कि गीगाबाइट के लोगों को लाइटअप करने की बजाय यहाँ पे RTX लोगों को लाइटअप होता, बट इट्स ऑल राइट। यहाँ पे 380mm के फैंस है जिसमें से सेंटर वाला फैन ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है ताकि टर्बुलेंस कम रखी जा सके। अगर हम डिस्प्ले आउटपुट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास HDMI 2.1 के दो पोर्ट्स और डिस्प्ले पोर्ट 1.4 पोर्ट्स है। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिजाइन ये कार्ड बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, इट्स अ वेरी स्ट्रीमलाइन डिजाइन और कई केसेस में आराम से फिट हो जाएगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम हीट सिंक्स 3 सेक्शन में डिवाइडेड है और इनको 5mm के 5 हीट पाइप्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एक्चुअल PCB काफी कॉम्पैक्ट है, जस्ट लाइक द रेफरेंस डिजाइन 3070, और ऑलमोस्ट 1/3 कार्ड का एरिया सिर्फ हीट सिंक से भरा हुआ है। यहाँ पे पीछे एक मेटल की बैकप्लेट है, लेकिन यहाँ ये PCB को डायरेक्टली टच नहीं करती तो इसका कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होने वाला। यहाँ पे ये सिर्फ जस्ट फॉर सम स्ट्रक्चरल सपोर्ट या फिर आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल है। दिस ऑल्सो कट आउट ऑन द बैकप्लेट विच अलाउज फॉर फ्लो थ्रू कूलिंग, जैसे कि आपने ये हमारे फाउंडर्स एडिशन कार्ड्स में देखा था। यहाँ पे एक बायोस स्विच भी है जो दो बायोस में स्विच करता है। बाय फैक्ट्री ये OC बायोस के साथ आता है, लेकिन आप इसको साइलेंट बायोस से भी स्विच कर सकते हैं जो फैंस की मैक्सिमम स्पीड को 200 RPM कम कर देता है। कार्ड का एक्सटीरियर डिजाइन कुछ अलग नहीं है, तो हम सीधा जल्दी से कार्ड को डिसअसेंबल करते हैं और जो पहली चीज आप देखते हैं डिसअसेंबल करने के बाद वो है इसका छोटा सा PCB और इसका अजीब सा कनेक्टर डिजाइन। यहाँ पे गीगाबाइट ने केबल एक्सटेंशन यूज की है पावर प्रोवाइड करने के लिए PCB को, ताकि PCB कॉम्पैक्ट भी रहे और कूलर का साइज भी बड़ा रखा जाए, जो मैं समझ सकता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि दे आर एडिंग मोर पॉइंट्स ऑफ फेलियर। एक सरफेस माउंटेड पावर कनेक्टर हमेशा ज्यादा रिलायबल ऑप्शन होगा और कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी की है कि ये जो प्लास्टिक कनेक्टर्स है ये मतलब अपनी पोजिशन से निकल आते हैं। हमारा कनेक्टर एक थोड़ा सा लूज है, बाकी बिल्कुल ठीक है, तो आई डोंट नो ये कितना देर चलेगा या कितने इंसर्शन हैंडल कर सकता है, बट इट्स अ थिंग जो टाइम ही बता सकता है। अगर हम PCB की लेआउट की बात करें, इट्स अ वेरी सिंपल PCB डिजाइन, बहुत ज्यादा कुछ यू नो ओवरबिल्ट नहीं है। यहाँ पे GPU के कोर के लिए 9-phase VRM सेटअप है और मेमोरी के लिए 2 phases हैं। यहाँ पे Samsung की GDDR6 चिप्स है जो 1750 MHz के लिए रेटेड है। यहाँ पे GPU का VRM सेटअप अल्फा ओमेगा के चिप्स से बना है और मेमोरी VRM के लिए यहाँ पे UBIC सेमीकंडक्टर्स के चिप्स हैं। मॉडल नंबर आपके सामने है यहाँ पे। और अगर हम GPU और VRM के वोल्टेज कंट्रोलर्स की बात करें तो यहाँ पे UPI सेमीकंडक्टर्स के UPI 9512R और SCUS5650Q चिप्स यूज की गई है और यहाँ पे सारे चिप्स मिलकर काम करते हैं ताकि आपका GA104 प्रोसेसर यानी RTX 3070 GPU प्रॉपरली काम कर सके। अब मुझे इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज दिस इज अ पावर हाउस इन अ वेरी डिसेंट प्राइसिंग। आपको 2080 Ti लेवल की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आधे से कम दाम में मिल रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन प्राइसिंग कुछ अजीब ही हो रखी है। चलो वो बात की बात है, मैं बता दूं मैं गेमिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने वाला बिकॉज मुझसे बहुत बेहतर काम कई लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं यहाँ पे मेनली कूलिंग परफॉर्मेंस, नॉइस परफॉर्मेंस और ओवरऑल OC पोटेंशियल चेक करूंगा। और हम शुरुआत करते हैं टेम्परेचर्स के साथ और इसका 436 ग्राम्स का एल्यूमिनियम फिनस्टैक कूलर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। OC बायोस के स्टॉक सेटिंग्स पे 15 मिनट के 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट पे सिर्फ 68 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर गया, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। टेस्ट के दौरान क्लॉक स्पीड 1950 MHz के ऊपर ही रहे, विच इज अ गुड रिजल्ट कंसिडरिंग द फाउंडर्स एडिशन मॉडल थोड़ा इसके नीचे रहता है। और हमने दोनों बायोस प्रोफाइल से नॉइस टेस्टिंग भी की, फुल स्पीड पे नॉइस लगभग बराबर ही है। मतलब मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि अगर आप एक कार्ड परचेज करते हैं तो आप इसको आराम से डिफॉल्ट बायोस पे रन कर सकते हैं, नॉइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स वेरी क्वाइट इवन एट फुल लोड्स। हमने कार्ड को ओवरक्लॉक भी किया है थोड़ा और हमें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो नहीं मिली बिकॉज कार्ड की जो पावर लिमिट है वो ऑलरेडी फुल है, 100% आउट ऑफ द फैक्ट्री। सो थोड़ी ट्वीकिंग और टेस्टिंग के बाद हमें को क्लॉक में लास्ट में 110 MHz और मेमोरी पे 1130 MHz का ओवरक्लॉक मिला,
विच इज़ अ डिसेंट रिजल्ट, नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ 3070 कार्ड्स, लेकिन इससे हमें 3D मार्क के टाइम स्पाय टेस्ट में 5% का इम्प्रूवमेंट मिला, जो एक अच्छा रिजल्ट है। अगर हम शैडो ऑफ द टूम रेडर की बात करें, वहाँ भी हमारा जो एवरेज FPS है ओवरऑल वो 7 से 8 FPS ऊपर गया, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, लेकिन जब आपके फ्रेम्स 60 के नीचे डिप हो रहे हैं और उसके ऊपर अगर आपको 8 फ्रेम्स एक्स्ट्रा मिले तो वो हमेशा एक अच्छी बात होती है। इस बेसिक से ओवरक्लॉक के बाद भी जो टेम्परेचर्स थे वो बिल्कुल नहीं बदले, सो इट्स सेफ टू से कि ये जो बेसिक RTX 3070 है इसके ओवरक्लॉक टेम्परेचर्स को हैंडल कर सकता है। सो हम फाइनल क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या ये कार्ड आपको परचेज करना चाहिए? वेल, अगर आपको ये कार्ड अच्छे प्राइस में मिल जाता है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। इट्स मोर देन केपेबल ऑफ हैंडलिंग वट एवर यू थ्रो एट इट, मतलब आप 1440p पे आराम से गेमिंग कर सकते हैं, 4K भी कई सारे e-sports टाइटल्स को आप मैक्स आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कार्ड के फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ कूलिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉइज और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, इट्स अ वेरी डिसेंट पैकेज। प्रॉब्लम है कि जो मार्केट में स्टॉक की सिचुएशन है उसकी वजह से इसको सही प्राइस में ढूंढना इम्पॉसिबल है। जो कार्ड 50,000 रुपये का होना चाहिए था वो 65,000 का बिक रहा है, 70,000 का बिक रहा है, वी कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ऑब्वियसली मैंने हर एक RTX 3070 कार्ड नहीं टेस्ट किया है या नहीं यूज़ किया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज बेटर देन एवरीथिंग एल्स, बट अगर मैं इसको एज अ स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट देखता हूँ दिस इज ईजी रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। बाकी आई नो गीगाबाइट के बारे में थोड़ी लोगों की एप्रीहेंशन रहती है कि भाई क्या ये खरीदना चाहिए, क्या मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी कि नहीं। वेल, उसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, मैं चाहता हूँ कभी फ्यूचर में उसको अलग से किसी दूसरे वीडियो में एड्रेस करूँ। इसके अलावा मतलब ये 4 साल की वारंटी आती है, तो होपफुली जो भी एक पर्सन बाय करेगा ये कार्ड उसको अगले 4 साल बिना किसी प्रॉब्लम के निकालने पड़े और उनको सर्विस अच्छी मिले। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस कार्ड के बारे में या हमारे इस वीडियो के बारे में तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन।